हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुर्तज़ा। वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज हमारा सेकंड वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था। बेल्जियम के बारे में हम थोड़ा और आखिरी तक पढ़ेंगे इसे। बेल्जियम में हमने पढ़ा था कि जो मेजोरिटी है वो डच की है। तो ओवरऑल मेजोरिटी जो है बेल्जियम में वो डच की है और माइनॉरिटी जो है वो फ्रेंच की है। लेकिन इसके कैपिटल जो है ब्रुसेल, उसमें हम क्या सिनेरियो देखते हैं, उसमें सिनेरियो देखते हैं कि जो माइनॉरिटी है वो डच है और मेजॉरिटी है जो फ्रेंच है। अब दोनों में ही सिचुएशन अलग अलग है, तो ऐसे में दोनों ही जगह पर टेंशन क्रिएट होना चालू हो गया। तो अब क्या किया ऐसा बेल्जियम ने, ऐसा क्या पावर शेयरिंग मॉडल अपनाया उसने कि यहाँ इन लोग के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ख़त्म हो गए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही कम्प्लीट नहीं हुए, ऐसे ही ख़त्म नहीं हुए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कंटिन्यूसली फेरबदल करने के बाद हुए। कॉन्स्टिट्यूशन में बेल्जियम ने ऐसा क्या क्या किया जिससे पावर शेयरिंग मॉडल को आसानी हुई। देखिए, तो क्या क्या चेंजेस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में किए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, पहला नंबर कॉन्स्टिट्यूशन का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने क्या करा कि डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल दोनों ही को उन्होंने क्या करा 50% इक्वलिटी दी, इक्वल सीट दी उनके लेजिस्लेटिव में। जैसे कि हम बात करें, अगर हम ध्यान से देखें तो बेल्जियम में मेजॉरिटी में डच हैं और मेजॉरिटी में डच हैं और माइनॉरिटी में फ्रेंच है। लेकिन क्या करा उन्होंने, फ्रेंच को 50% सीट दे दी, ये देखते हुए कि डच मेजॉरिटी में, फ्रेंच को तब भी उन्हें 50% सीट दे दी। सेम यहीं पर ब्रुसेल में क्या हुआ, फ्रेंच मेजॉरिटी में था और माइनॉरिटी में डच था, इसके बावजूद भी फ्रेंच ने डच को 50% सीट दे दी। तो इस तरीके से दोनों ने पावर शेयरिंग मॉडल को अपनाया और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कम हुए। और क्या चेंजेस किए, स्पेशल लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया कि कोई भी स्पेशल लॉ बनाए जाएंगे तो वो स्पेशल लॉ जो होंगे दोनों ही लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल्स की मंजूरी के बाद ही लॉ एग्जीक्यूट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता है। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़्यादातर पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, जिससे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चालू कर दिया। उसे अपना काम अपने गवर्नमेंट को गवर्नेंस करने के लिए उसे किसी और की या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क करना चालू कर दिया उसने। चौथा, जो ब्रुसेल है उसकी अलग ही गवर्नमेंट बनी और वो भी, उसमें भी जो मेजोरिटी थी वो इक्वल थी, फ्रेंच की भी और डच की भी। फिफ्थ, एक नई तरह की गवर्नमेंट डेवलप हुई जिसे नाम दिया गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या काम करती है, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट पर काम करती है। और इस तरीके से इन्होंने पावर शेयरिंग के मॉडल को फॉलो किया। फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी दूसरी कहानी श्रीलंका के लिए। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स हैं, 15% तमिल स्पीकिंग पीपल्स हैं। अब इन 15% तमिल स्पीकिंग पीपल्स में कौन कौन आ जाते हैं, लोकल तमिल्स आ जाते हैं, इंडियन तमिल्स आते हैं और साथ में जो अदर माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं जैसे हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और दूसरे रिलीजन को बिलोंग करने, वो भी इसी 15% में आ जाते हैं। तो जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था, सेम सिनेरियो, सेम एथनिक कंपोजिशन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, श्रीलंका में देखने को मिल रहा है, जहाँ 74% सिन्हाला है और 15% तमिल है। अब हमने बेल्जियम में क्या देखा था कि पावर शेयरिंग हुई, लेकिन यहाँ इससे उलट हुआ। यहाँ पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया गया पूरी तरीके से और यहाँ पर सुप्रीमेसी जो सिन्हाला की गवर्नमेंट आई उसने कई सारे ऐसे चेंजेस कर दिए जिससे श्रीलंका ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करी। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम फेस करी श्रीलंका ने। सबसे पहले मेजोरिटेरियनिज्म, इसको उन्होंने रेगुलेट किया। जैसे कि मैंने बताया था आपको, मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, बहुसंख्यावाद, जहाँ पर एक जो ज़्यादा स्पीकिंग पीपल है, जो एक पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ अपने ही पॉपुलेशन के पीपल्स के बारे में सोच रहा है और उन्हीं की विशेष को फुलफ़िल करने के बारे में सोच रहा है, और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं, माइनॉरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज हैं, रिलीजियस पीपल है या कम्युनिटी, उनकी भावनाओं को या उनके फ़ायदे के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए या अपने स्पीकिंग पीपल्स के फ़ायदे के लिए काम करने वाले जो है वो क्या कहलाते हैं, मेजोरिटेरियनिज़्म। ठीक है, तो ये तो रेगुलेट कर ही दिया।
अब इससे क्या हुआ, उन्होंने इसके अलावा कई सारी चीज़ें करना चालू कर दिया। 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज बना ली उन्होंने सिन्हाला, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। साथ में गवर्नमेंट जो है वो बाइज्ड हो गई, मतलब हर जगह किसको प्रायोरिटी दी जा रही थी, सिन्हाला कम्युनिटी को, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल्स को प्रायोरिटी दी जा रही थी। और गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, एडमिशन्स की बात करें, हर जगह सिन्हाला सुप्रीमेसी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताऊं कि अगर आप सपोज़ इंटरव्यू देने गए और इंटरव्यू देने में आप दोनों के पास ही एक जैसी काबिलियत है, दोनों की ही 80-80% है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिली, जिसको सिन्हाला थी, तो ये गलत है। लेकिन ये फॉलो कहाँ हुआ, श्रीलंका में। अब ये तो हुआ प्रॉब्लम जो सिन्हाला ने करी, अब इसके आउटकम्स क्या हुए, इसके आउटकम वैसे ही थे जैसे कि सिन्हाला ने किए थे। क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना चालू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के साथ साथ सिविल वार भी हो गई और फिर रिवॉर्ड्स भी चालू हो गए। ये सब क्यों हुआ, ये कारण हुआ माइनॉरिटीज़ जो फील करने लगी आइसोलेटेड, अकेला महसूस करने लगी, अपने आप को पिछड़ा महसूस करने लगी, और उसने सिन्हाला कम्युनिटी से ये मांग करना चालू कर दी, आंदोलन करना चालू कर दिया कि उन्हें राइट्स मिले। लेकिन सिन्हाला सुप्रीमेसी ने उनकी बात नहीं सुनी, कोई भी बात नहीं मानी, तो उन्होंने धीरे धीरे ये डिमांड करना चालू कर दी कि उनकी एक अलग, जहां उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है वहां उनकी एक अलग कंट्री बना दी जाए और उनकी कम्युनिटी के अलग ही सब कुछ कर दिया जाए, जिससे कि वो अलग ही उनका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो। इस तरीके से देखा हमने आगे जाकर श्रीलंका में सिविल वार चालू हो गया। सिविल वार किसी भी कंट्री के लिए सबसे बुरा होता है। सिविल वार क्या होता है, सिविल वार में एक ही कंट्री के सिटीज़न एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ने चालू कर देते हैं, एक दूसरे की लड़ाई चालू कर देते हैं, और इस लड़ाई में सिवाय खून के और कुछ नहीं बहता। तो किसी भी कंट्री के लिए सबसे बुरा क्या है, सिविल वार, जहां उसी के नागरिक आपस में लड़ रहे हैं। तो ये सिविल वार जनरेट हुआ किस कारण, पावर शेयरिंग ना होने के कारण। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया बेल्जियम का और श्रीलंका का, लेकिन हमने पावर शेयरिंग पढ़ा क्यों, बेल्जियम, ये पावर शेयरिंग बेल्जियम का था, ये श्रीलंका का था, इससे हमें क्या, हमने क्यों पढ़ा पावर शेयरिंग, सीबीएसई ने हमें क्यों ये बताया, हमें इसलिए बताया, आप ध्यान से देखें, बेल्जियम में दो तरह के स्पीकिंग पीपल्स थे, श्रीलंका में भी दो तरह के स्पीकिंग पीपल्स में थे, लेकिन हम अगर हमारी कंट्री की बात करें, यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन के पीपल्स तो हैं ही, और वो भी सिर्फ दो नहीं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, यहाँ डिफरेंट रिलीजन के भी पीपल्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बिलोंग करने वाले पीपल्स हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बिलोंग करने वाले। जब ऐसी कंट्री जहाँ पर इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को पावर शेयरिंग समझना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सीबीएसई ने इसीलिए पावर शेयरिंग जो है आपके सिलेबस में डाला है कि आप पावर शेयरिंग को अच्छे से समझ सकें। तो अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स हैं। पावर शेयरिंग हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पर जो भी लेवल होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल होगा। हम बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया में किस तरीके से पावर शेयर की गई है। तो इंडिया में हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेटिव आता है, एग्जीक्यूटिव आता है, जुडिशरी आता है। लेजिस्लेटिव की बात करें हम, तो लेजिस्लेटिव का काम है, वैसे तो लेजिस्लेटिव के बहुत सारे काम हैं, लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है उसमें हम इतना समझ लें कि लेजिस्लेटिव का काम है लॉस को बनाना, लॉस को फ्रेम करना, सबसे इम्पोर्टेंट काम उसका यही है लेजिस्लेटिव का। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव्स का, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत होती है, जैसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव को ही बाइफरकेट करें, तो एग्जीक्यूटिव दो तरह के होते हैं, एक टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव और एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए होते हैं, एक फिक्स टेन्योर के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे मिनिस्टर, हमारी गवर्नमेंट बनती है तो 5 ईयर्स की गवर्नमेंट होती है, तो जितने भी मिनिस्टर आते हैं वो सब क्या होते हैं, 5 ईयर्स के होते हैं। 5 साल के बाद फिर कोई 5 साल के गवर्नमेंट मिनिस्टर आएंगे, तो वो सब क्या हैं, टेम्प्रेरी हैं। तो जो ये एग्जीक्यूटिव जो कौन से कहलाएंगे, ये एग्जीक्यूटिव कौन से कहलाएंगे, टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। गवर्नमेंट का जो हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव।
परमानेंट एग्जीक्यूटिव ज़रा अच्छे होते हैं, ये पढ़ लिख कर आते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जो एग्जामिनेशन पास करते हैं, सिविल सर्विसेज देते हैं और गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव फॉर्म में काम करते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ये टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव के दिए हुए आदेशों को भी फॉलो करते हैं और ये हमेशा रहते हैं, ये जब तक रिटायर्ड नहीं होंगे तब तक कंट्री के लिए काम करते रहेंगे, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब बात करते हैं हम जुडिशरी की। जुडिशरी हमारी पूरी न्याय व्यवस्था है कि लॉ बनाने वाले ने लॉ काम बना भी दिया, एग्जीक्यूटिव ने काम कर भी लिया, लेकिन अगर कोई काम नहीं कर रहा है या कोई कानून का दुरुपयोग कर रहा है तो उसको देखने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट होगा, उनको देखने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट होगा? तो उनके लिए हम बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी ये सारे काम करती है, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। बात करते हैं वर्टिकल में। वर्टिकल पावर शेयरिंग की बात करें अगर हम, तो इसमें लोकल गवर्नमेंट आती है, स्टेट गवर्नमेंट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, ये सारी किस में आती हैं? वर्टिकल में आती हैं। लोकल गवर्नमेंट की बात करें अगर हम, तो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, ये सब क्या है? हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल या लोकल लेवल या ग्रामीण लेवल तक काम करती हैं। तो ये गवर्नमेंट कैसे जाती हैं? लोकल गवर्नमेंट होती है। इनके पास भी इंडिपेंडेंट पावर्स होती हैं, इन्हें बार बार स्टेट गवर्नमेंट की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। इससे अगर अपन आगे बढ़ें तो स्टेट गवर्नमेंट आती है। जैसे कि बात करें हम हमारी कंट्री की, टोटल 29 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट के अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है और इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपनी खुद की स्कीम्स बनाती हैं, अपनी योजनाएं बनाती हैं और उसे ही रेगुलेट करती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी अपनी खुद की पावर है, लेकिन कुछ स्पेशल पावर ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और ये होना भी चाहिए। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि स्टेट गवर्नमेंट के क्या काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या काम करना है और लोकल गवर्नमेंट को क्या काम करना है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी लिस्ट बनाई हुई है और उन लिस्ट में सब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं कि किस गवर्नमेंट को क्या काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या काम है। अब देखिए, जो भी आर्मी है, जो भी हमारा डिफेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो सिर्फ कंट्री का होता है। कभी आपने सुना है कि स्टेट गवर्नमेंट की आर्मी है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये पावर जो है सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना। तो ये सिस्टम जो है पावर शेयरिंग का, ये क्या है? वर्टिकल पावर शेयरिंग है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कि बेल्जियम की बात करें, बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। एजुकेशन लैंग्वेज से रिलेटेड टॉपिक पर बात करने के लिए, तो हमारी कंट्री ने क्या करा? रिजर्वेशन दिया। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दिए, सोशल ग्रुप्स बनाए गए और भी अदर ग्रुप्स बनाए गए, जो भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन में सीट दी गई और फाइनेंशियली रूप से भी हेल्प करी। क्या करने के लिए? सभी को इक्वलिटी देने के लिए। हम देखते हैं ना रिजर्वेशन में बैकवर्ड क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं सब इक्वलिटी से रहें और पावर को ईजिली शेयर करें। तो हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब पढ़ते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयरिंग कैसी होती है। पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी होती है। अब देखिए गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट बनने के कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं रूल्स? कि 50% से एक सीट ज़्यादा होनी चाहिए तो ही आपकी गवर्नमेंट बन सकती है। जैसे कि हम बात करें, अभी इलेक्शन हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसमें क्या हुआ, 50% से एक सीट जिस पार्टीज़ के पास आएगी गवर्नमेंट उसकी बनेगी। इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं कि टोटल 60 सीट्स हैं, ठीक, और बीजेपी के पास 32 सीट हैं और कांग्रेस के पास 28 सीट हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट किसकी बनेगी? बीजेपी की बन जाएगी, है ना। तो यहाँ पर तो केस क्या चल रहा था, 50% प्लस 1 तो गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन अगर 50% प्लस 1 इनमें से किसी की नहीं हुई, मान लें कि बीजेपी की 29 है और कांग्रेस की 25 है और अदर्स पार्टीज़ की भी कुछ ना कुछ रेशो है, तो ऐसे में
क्या होगा? ऐसे में बीजेपी क्या करेगी, अदर पार्टी से सपोर्ट लेगी और एक मिलीजुली सरकार बनेगी। तब बीजेपी अदर पार्टी से के साथ मिलकर कौन सा आंकड़ा क्रॉस करेगी, 31 का। जैसे ही 31 टोटल सीट हो जाएगी वो गवर्नमेंट बनाने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। और इसी तरह की गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, जहाँ पर क्या होगा, एक पार्टी से नई गवर्नमेंट बन पा रही है तो हम क्या करें, दो तीन पार्टीज़ के मिलकर गवर्नमेंट बनाएं और गवर्नमेंट को रन करें। ये भी तो एक पावर शेयरिंग हुई। तो इस तरह की पावर शेयरिंग हम पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं और ये हम कंटिन्यूसली देखते हैं। अगर आप किसी स्टेट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कई सारे स्टेट्स में कोएलिशन गवर्नमेंट चल रही है। वीडियोज़ को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट है, कोई ऐसा पोर्शन है जो रह गया हो या जिसमें आपको कोई डाउट हो या कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में है और जो सिलेबस से रिलेटेड नहीं भी है, तो भी आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके कमेंट को जवाब देने की।